नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। रोजाना की तरह हिमाचल की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की 15 से 20 बड़ी खबरें। नेशनल हाईवे धंसने के बाद यातायात ठप, निचले हिमाचल से सड़क संपर्क कटा, हजारों लोग परेशान। राजधानी शिमला को निचले हिमाचल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 205 घनाहट्टी के समीप गंडल में धंसने के बाद मंगलवार को दूसरे दिन भी ठप रहा। इस मार्ग से शिमला आने जाने वाले हजारों लोगों को परेशान होना पड़ा। वाहन चालकों को 15 किलोमीटर तक अतिरिक्त सफर करना पड़ा। मंगलवार को प्रदेश भर में 14 छोटी बड़ी सड़कें ठप रही, 16 कच्चे मकान और 17 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। बुधवार को भी प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 20 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। नेशनल हाईवे बंद होने के बाद वैकल्पिक मार्ग पर मंगलवार को पूरे दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। मुख्य सड़क बंद होने के बाद शिमला से मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा की ओर जाने वाले वाहन वाया नालहट्टी रवाना हो रहे हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने भी मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क खोलने के लिए पहाड़ की कटिंग में ग्रामीणों की भूमि आने का पेंच फंस गया है। निचली तरफ से डंगा लगाने में 10 से 15 दिन लगने के आसार हैं। हिमाचल में 3 की गई जान, 195 लोग पॉजिटिव, जाने डिटेल। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 195 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 181 लोग ठीक हुए हैं। बिलासपुर, शिमला और हमीरपुर में कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। हिमाचल में अभी 1532 एक्टिव केस मौजूद हैं। कांगड़ा जिला में 54 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही हमीरपुर में 48, मंडी में 31, शिमला में 22, बिलासपुर में 11, चंबा में 8, ऊना में 8, लाहौल स्पीति में 6, कुल्लू में 4, सोलन में 2 और किन्नौर में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। हिमाचल में बड़ा हादसा, घर में लगी आग, धुएं में दम घुटने से पिता और 3 बच्चों की मौत। हिमाचल के चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र करातोट गांव में सोमवार देर रात 2:30 बजे एक घर में आग लगने से धुएं में दम घुटने से एक व्यक्ति और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना के समय एक कमरे में 5 लोग सोए थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर महिला कमरे से बाहर निकल आई, जिससे उसकी जान बच गई। SP चंबा अरुण कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिए गए हैं। फोरेंसिक जांच के लिए धर्मशाला से टीम पहुंची है। वहीं मृतक के माता पिता ने बहू पर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मामले में धारा 174 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कमरे से एक पेट्रोल की कैनी बरामद की है। बताया जा रहा है कि मृतक धूम्रपान करता था। विधानसभा के विशेष सत्र में मौजूदा विधायकों के अलावा 93 पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। राज्य के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 सितंबर को होने वाले विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मंगलवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 51 कार्यक्रमों में से एक विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए विधानसभा के तमाम पूर्व सदस्यों को सत्र में बुलाया गया है। सत्र के सफल आयोजन के लिए बुधवार को विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित होगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल समेत कुल 93 पूर्व विधायकों ने सत्र में आने की पुष्टि की है। 18 सितंबर तक हो सकेंगे 12वीं कक्षा में दाखिले। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में दाखिलों की अंतिम तारीख 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इस बाबत सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर ही स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुधवार से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट और JEE की कोचिंग देना शुरू होगी। इसके तहत विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से लिखित सामग्री दी जाएगी। राष्ट्रपति दौरे के बाद स्कूलों पर विचार करेगी सरकार। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में बच्चों को फिलहाल नहीं बुलाया जा रहा है। इस बारे में सरकार अब राष्ट्रपति दौरे के बाद 20 सितंबर को ही विचार करेगी। आपदा प्रबंधन की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से मंगलवार को इस बारे में लिखित आदेश जारी होंगे। वर्तमान में जारी प्रक्रिया को आगे एक्सटेंड करने का फैसला हो गया है। गौरतलब है कि राज्य में सरकारी स्कूल 14 सितंबर तक बच्चों के लिए बंद है, जबकि टीचर स्कूल आ रहे हैं। इसको 21 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। विधायक राणा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से की CBI जांच की मांग।
प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में करोड़ों के घोटाले की आवाज़ अब दिल्ली दरबार में पहुंची है। कांग्रेस विधायक एवं पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व गवर्नर को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच CBI से करवाने की मांग की है। राणा ने मीडिया को राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को लिखे पत्रों की प्रतियां दिखाते हुए कहा है कि वह लंबे अरसे से विधानसभा के भीतर और बाहर फर्जी डिग्री कांड के गंभीर मामले को लगातार उठाते रहे हैं, क्योंकि इस फर्जी डिग्री कांड में जहां करोड़ों का गबन और घोटाला किया गया है, वहीं हजारों युवाओं के शैक्षणिक जीवन से खिलवाड़ किया गया है। राणा ने आरोप जड़ा है कि इस मामले में सरकार असली गुनहगार को बचाना चाह रही है और इस मामले के असली तथ्यों को छिपाना चाह रही है। CID की SIT करेगी मामले की जाँच, DGP ने जारी किया आदेश। मंडी के जोगिंदरनगर में 23 साल की ज्योति की मौत मामले में बढ़ते विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इसकी जांच CID को सौंप दी है। DGP संजय कुंडू ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के लिए SP क्राइम वीरेंद्र कालिया की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम गठित की जाएगी। इसमें DSP CID मुकेश कुमार और DSP CID मंडी सुशांत शर्मा भी शामिल होंगे। DGP ने कहा कि जांच को निष्पक्षता और तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल के इन जिला में 2 दिन रहेगी छुट्टी, इन कारणों से दिया सार्वजनिक अवकाश। हिमाचल के चंबा और लाहौल स्पीति जिला के कुछ क्षेत्र में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश यहां हो रहे पंचायती चुनाव के चलते दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति के उपमंडल उदयपुर, काजा और किलांग तथा जिला चंबा के उपमंडल पांगे में क्रमशः चरण 1 और चरण 2 के चुनाव के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत 29 सितंबर 2021 और 1 अक्टूबर 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत इन क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक परिसर तथा दुकानें इन तिथियों को बंद रहेंगी। नाबालिग से ट्रक में 2 ने किया दुष्कर्म, विवाहिता शादी के झांसे में आकर लुटा बैठी आबरू। हिमाचल की राजधानी शिमला और कांगड़ा जिला में एक नाबालिग और महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। शिमला के चौपाल में ट्रक चालक सहित 2 ने नाबालिग से ट्रक में दुष्कर्म किया है। इस नाबालिग ने चालक से लिफ्ट ली थी। वहीं कांगड़ा जिला के नूरपुर में एक विवाहित महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। युवक अब शादी से मुकर रहा है, किसी अन्य लड़की से शादी करने जा रहा है। दोनों ही मामले पुलिस के पास पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। 19 साल की गर्भवती पत्नी के साथ 23 साल की पति ने निकला जहर। हिमाचल प्रदेश में आत्महत्या के मामले कहीं से भी थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला सूबे के सिरमौर जिले स्थित श्री रेणुकाजी क्षेत्र के खालाकियार से सामने आया है, जहां पर मंगलवार दोपहर एक पति पत्नी ने एक साथ जहर निकल लिया। बतौर रिपोर्ट्स पति की उम्र 23 साल है जबकि पत्नी 19 साल है। वहीं जहर निकलने वाली यह महिला गर्भवती भी बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पहुंचे CM जयराम ने विक्रमादित्य को दिया तीखा जवाब, बोले शोक में है परिवार, संयम बरतें। सोमवार की ये बात है जब कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने CM जयराम के कुर्सी जाने की बात कही थी। वहीं मंगलवार को CM जयराम पार्टी आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद सूबे के कांग्रेस नेताओं द्वारा जयराम के कुर्सी जाने के संदर्भ में उड़ाई गई अफवाह ने और भी जोर पकड़ लिया। वहीं अब दिल्ली पहुंचे CM जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह पर तीखा पलटवार किया है। सबसे पहले तो जयराम ठाकुर ने CM फेस बदले जाने के सवालों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह को जवाब देते हुए बोले कि विक्रमादित्य सिंह बहुत जल्दी में हैं, अभी उनका परिवार शोक के दौर से गुजर रहा है, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से क्या बोलना चाहिए इस बारे में संयम और सब्र रखना चाहिए। भाजपा का निर्णय पार्टी का नेतृत्व करेगा, विक्रमादित्य सिंह नहीं। वहीं दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान CM जयराम ने कहा कि नई दिल्ली में संगठन का निर्धारित कार्यक्रम है, वह संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक को आज नहीं बल्कि 20 दिन पहले तय किया गया था। HPU ने जारी किया BEd प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BEd की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये परीक्षा 21 अगस्त को आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 21 अगस्त को प्रदेश भर के कई केंद्रों पर BEd प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई थी। परीक्षा के लिए 16,091 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए गए थे। छात्रों के परिणाम आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने जारी किए HPAS प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने HPAS एग्जाम के लिए आवेदन दिया था, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुगति से परिक्रमा कर डल झील रवाना हुए 7 लोग लापता। मणि महेश के दर्शन के लिए कुगति से परिक्रमा कर डल झील के लिए रवाना हुए 14 लोगों के दल में से 7 लोग लापता हो गए हैं। लापता लोगों में पंजाब के राहुल, विकास धीर, तरमिंदर, राजन, मिट्टू, लवली धीर और प्रदीप कुमार शामिल हैं।
भरमौर थाने में पहुंची सूचना के बाद पर्वतारोहण टीम को इनकी लोकेशन के आधार पर तलाश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि बीते दो दिनों से 3 शिव भक्तों के शव मिल चुके हैं। गौर हो कि कोरोना महामारी के चलते इस बार मणिमहेश यात्रा में आम लोगों के जाने पर रोक के बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बिना टेंडर खरीदी 6 करोड़ की किताबें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों के लिए चल रही किताब खरीद प्रक्रिया के बीच वर्ष 2019-20 की खरीद चर्चा में आ गई है। इस दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने बिना टेंडर 6 करोड़ रुपए की किताबें खरीदी थी। 6 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक ही विषय की 4,745 किताबें 72 लाख रुपए में खरीदी गई। दिल्ली के एक प्रकाशक को सिंगल ऑर्डर में 1.45 करोड़ रुपए की किताबें खरीदने का काम दिया गया। इस खरीद का खुलासा RTI में हुआ है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।